अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खरीद होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ इशिदा चौधरी। आज इस वीडियो में रिएक्ट करने वाले, उसका टाइटल है हरी दीवार। हाँ जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है एज यूजुअल कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्या कर रहे हैं? क्या है यार, तो बड़ी नदी है कोई ना? नहीं, अब ये जो साउंड चल रहा है ना, म्यूजिक दिया हुआ है, साउंड तो नहीं है। कितना रूह को तस्कीन मिलती है ऐसे। ब्रिज बड़ा कमाल का बनाया हुआ है यार। हाय दोस्तों, हर गंगी एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है नमिश कुमार वी ब्लॉग्स में। अभी आप माँ गंगा की पावन दर्शन हर की पैड़ी हरिद्वार से कर रहे हैं। माँ गंगा की निर्मल धारा की आप कलर देख सकते हैं, काफी सुंदर कलर और पारदर्शिता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं स्पष्ट है, यहाँ पे आपको माँ गंगा की निर्मल धारा की पारदर्शिता दिखाई दे रही है। अभी आप दृश्य देख रहे हैं महिला घाट का, और महिला घाट में आप जल की स्तर देख सकते हैं कम है, लेकिन डुबकी आसानी से लगाया जा सकता है। हम अभी हर की पैड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। आज भीड़ आप देख सकते हैं काफी कम है, और ये दोपहर 3 बजे का दृश्य अभी आप देख रहे हैं हर की पैड़ी का। यह है हर की पैड़ी में प्रवेश करने का मेन डोर। आरती का टाइम अगर बता दूं तो सुबह आरती का टाइम 6:10 और शाम को आरती का टाइम 5:35। अच्छा, जूते जैसे हमारे यहाँ रखे जाते हैं दीवारों के। ये आप देख सकते हैं दोपहर को काफी अच्छी धूप निकली हुई है और ठंडी ऐसे कम हो चुकी है। सुबह और शाम के टाइम ही ठंडी का एहसास होता है। और हम अभी आपको माँ गंगा के पावन दर्शन नए घाट और हर की पैड़ी से अभी कराने वाले हैं। बहुत लोग आते हैं यार इस टाइम पे, ज्यादा लोग गंगा में नहा रहे हैं। वो माँ पूजा पाठ के लिए तो टाइमिंग है, लेकिन 11 बजे जो नहाने या वैसे भी जैर करने आते हैं, पवित्र जगह है ना। क्योंकि जो मोटरवेज बन रही है वो भी इसी सिलसिला को जोड़ने के लिए बन रही है अक्सर, कि हरिद्वार से होकर। लास्ट में वो भी देखी थी ना, उसमें बता रहे थे लोगों की आसानी के लिए। यार मुझे तो ये ना मुँह ये जा रहा है जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ अब हम पुल से उतर रहे हैं और हर की पैड़ी घाट के नजदीक जा रहे हैं, और नजदीक से हम माँ गंगा के पावन दर्शन कराने वाले हैं। भीड़ आप देख सकते हैं काफी कम दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये संगल बॉडी है।
म्यूजिक तो मैं सुन ही रहा हूँ, लेकिन ये चीजें यार हमारे कल्चर में हमें दिखानी चाहिए यार। मतलब लोग कैसे हमारा ये प्रॉब्लम है, हमें अपना तो आदत याद होता है लेकिन हम सर्च नहीं करते ना। मतलब सारे देखते नहीं क्या चल रहा है दुनिया में, तो अब देखेंगे तो पता चलेगा ना कि रिस्पेक्ट कैसे करनी है, किसी को कैसे बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जस्ट घाट है या यहाँ मंदिर भी होगा? मंदिर भी होगा भाई। अच्छा पानी बड़ी स्पीड में बह रहा है, पानी की स्पीड देखे वो इतना ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है पानी बड़ी स्पीड में है। काल्पनीय मंदिर ही है मेरे ख्याल है इस साइड के चारद्वारी, मतलब जो एरिया है ये लोग ये मंदिर का एरिया होगा, घाट के ऊपर ही मंदिर होगा। हमने बड़े बड़े टेम्पल देखे हुए ना, तो वो मतलब कमाल है यार। फिर मैं यही कहूँगा कि बाकी तो आपकी बात सही है कि म्यूजिक ये है, उन्होंने एडिटिंग में बड़ा जबरदस्त किस्म का लगाया था वो जो बांसुरी का बजना और ये साथ जो बोला जा रहा था, हाँ ये सारा दिल को छू रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है, और बड़ा एक ना रूह को टच कर रहा था, ऐसा टच मिल रहा था कि यार कितना पुरसकून माहौल होगा, आराम से लोग अपना जो नहा रहे हैं, गंगा स्नान इसको शायद बोलते हैं। कहीं सुना था कि मतलब वो मूवीज में ठीक है को मतलब वो पता नहीं कितने पाप किए होते हैं ना, तो मतलब जो होता है गुंडा होता है वो कहता है कि अब मैं गंगा स्नान करूंगा तो सारे पाप धुल जाएंगे, तो इस तरह का। लेकिन वो मतलब एंड पे वो मर जाता है, गंगा स्नान तो उसे नहीं करने देता हीरो, तो इस तरह का सीन था। तो मेरा ख्याल है ये वही है गंगा। नहीं इसीलिए ना इसमें ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरह कुछ जिस्म की नापाकी खत्म हो जाती है नहाने से, बाथ लेने से, वॉश करने से, इस तरह ये है कि कुछ हर जगह पे नहीं, अब हम घर में भी नहाते हैं या आप लोग भी नहाते हैं तो ऐसा नहीं है, कुछ मुतबर्रकात ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं, किसी न किसी जगह की अटैचमेंट ऐसी होती है कि जहाँ जैसे ये गंगा वहाँ आप नहाते हैं और नहाने से हरी दीवार में नहाने से बिल्कुल ऐसे ही होगा कि बंदे के गनाह कम हो जाते हैं, गनाह धुल जाते होंगे और बंदे को एक रूह को महसूस होता होगा कि अब नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ा हमारे ज़हन में तो यही आया है। खैर इसके मुतल्लक जो है हमारी सर्च इतनी ज्यादा नहीं है, हमें बस ये एक लास्ट टाइम जो वीडियो की थी रजिस्टर
टेंपल पे, तो उधर से ही एक भाई बहुत बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, हरिद्वार पे रिएक्शन दो, तो उन्होंने लिंक शेयर किया था। तो इसलिए अगर हमसे कोई गलती हुई है बोलने में या कुछ इस तरह का हुआ है, तो उसके लिए हम एडवांस में आपसे सॉरी और माजत करते हैं, क्योंकि जी जिस चीज़ का जी पता ना हो, कम इल्मी हो, उस चीज़ के लिए उस पर कमेंट नहीं करना कमेंट चाहिए, नहीं लेकिन करना हम चाहिए। इसलिए कह देते हैं कि बात शुरू करेंगे, यकीनन उसकी इसलाह हो जाएगी। अगर वो कम बिल्कुल बोला गया तो ज़्यादा आप उसके मतलब बता देंगे, और अगर गलत बोला गया तो उसकी तौसी और उसकी इसलाह और उस गलती को आप सुधार देंगे। बिल्कुल इसलिए हम फिर ना चुप रहने की बजाय हम कोई ना कोई अच्छे वाला कोशिश करते हैं, हमारा वो कमेंट अच्छा ही हो, और अगर फिर भी अच्छा ना लगे तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और हमारी इसलाह कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। इजाज़त, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।